हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण ठाकुर, आप देख रहे हैं केएस मोटो विथ टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को रिव्यू कराने वाला हूँ जो अपने रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड है 350, इसका रिव्यू कराने वाला हूँ। ये 1.5 साल से मेरे पास है, तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसमें क्या क्या कमियाँ 1.5 साल में दिखाई है मेरे को, और मतलब इंजन वाइज क्या है, वो इंजन कैसा है इसका, और क्या क्या मैंने चेंजिंग करवाया है, एवरेज क्या है, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मतलब जो कमियां हैं उस पर। सबसे बड़ी कमी है इसकी डिस्क ब्रेक। इस बाइक में डिस्क ब्रेक बिल्कुल नहीं है, ना ही अगले हैं ना पिछले, डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें। सबसे मोटी कमी ये है इसमें कंट्रोल नहीं है। और सेकेंड जो इसकी कमी है वह है इसकी स्पीड। 350 cc का इंजन है जबकि ये 115 या 110 से ज़्यादा मतलब ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ती है, तो ये सबसे मोटी कमी है। आपने R15 है जो यामा की, वो 153 cc में, लेकिन वो 150-153 तक मतलब भागती है, दौड़ती है, जो है। अब इसमें बता देता हूँ क्या क्या चेंजिंग करवाए हैं इसमें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने इसके करवाए हैं अलॉय व्हील चेंज, जो देख पा रहे ये थोड़ी वाले अलॉय व्हील हैं, ये प्रैडो के हैं, ओरिजिनल प्रैडो। ये मेरे को पड़े थे 6800 रुपये के, और मैंने रूट्स की ओरिजिनल लगवाए हैं, जो अपने ये 1 साल से ज़्यादा हो गई भाई से, तो ये 1800 रुपये के ये लगवाए हैं। और जाल है, ये रहा आप देख रहे हो, जाल लगवाया है इसमें, चारों इंडिकेटर पर भी जाले लगे हुए हैं। और ये क्रोम वगैरह हैं जो ये देख रहे पा रहे हो अब ये हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बस यही मैंने चेंज करवाया है। और आप देख सकते हो लुक वाइज, और ये भाई ये चली हुई है, देख लो, देख पा रहे हो 12480 किलोमीटर मैंने चला दी है ये। अब एक बार बाइक की लुक देखो आगे से कैसे दिखती है ये भाई लुक है इसकी। अब इसकी माइलेज की बात आती है, इसकी माइलेज मैं बता देता हूँ 35-40 की बीच की एवरेज है इसकी, और बाकी इंजन वाइज कोई कमी नहीं है इसमें अब तक, तो फिलहाल आई नहीं है नई चैन सेट में जो भी है। और मैंने इसका साइलेंसर चेंज करवाया है, ठीक है। अब अगर कंपेयर करें जैसे रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक, तीन मोड है इसके अंदर, क्लासिक है, इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड। सबसे जो नीचे कैटेगरी में आता है वो स्टैंडर्ड आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो अपने यंग जनरेशन है उसको सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ही पसंद आएगी, क्योंकि इसको अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे मॉडिफाई करवा सकते हो। लेकिन जो इलेक्ट्रा और जो क्लासिक है उसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। क्लासिक में तो अब न्यू मॉडल आए हैं जो 2018 के, उसमें डबल डिस्क दे दिए हैं, और इलेक्ट्रा में एक डिस्क ब्रेक है, बट उनकी स्पीड की बात कही जाए तो वो भी सेम है इसके, मतलब स्पीड है जो, और कीमत है जो ये मैंने निकलवाई थी 1.5 साल पहले 1,30,000 रुपये की, और फिलहाल ये 5 साल के इंश्योरेंस के लगा के 35-36 के लमसम मोदी ऑन रोड, और जो अपने इलेक्ट्रा है वो 1,45 के लमसम है, और क्लासिक है वो 1,55 या 1,60 के 8 फीट में जो है इसकी प्राइस है। तो अगर स्पीड की बात की जाए तो तीनों की स्पीड सेम है, इंजन वाइज भी सेम है, बट जो 500 cc में उसमें थोड़ी चेंजिंग है, उसमें
इंजेक्टर दिया हुआ है, इनमें कार्बोरेटर है, पर उसकी एवरेज बिल्कुल नहीं है, वो 15 या 18 की एवरेज है बस उसकी, इतनी है, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी। तो बस यही है इस बाइक में, अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए भाई, एवरेज के हिसाब में तो पास है ये, बिल्कुल एवरेज बढ़िया है 35-40 की, और कंट्रोल के मामले में बिल्कुल फेल है, कंट्रोल नहीं है इस बाइक में, और इंजन के मामला में भी पास है, इंजन में कोई कमी नहीं दिखी है अब तक भी। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, तो ये बाइक जो अपने क्लासिक लोग हैं, इसमें वाइब्रेशन है थोड़ा, इसमें भी है वाइब्रेशन, पर इतना वाइब्रेशन नहीं है इसमें, तो इस मामले में भी पास है ये, बस एक यही कमी है इसमें, डिस्क ब्रेक वाली। और अगर आपको लुक चाहिए या गेड़ी सेड़ी मारनी है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में, पर कंट्रोल वाइज आप लोगों को बता दिया, कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, राम राम।